दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो आप लोगों में से बहुत से मेरे प्यारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था हेयर रिलेटेड कि मैम बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं एंड हेयर फॉल के साथ साथ बाल बहुत ही पतले होते जा रहे हैं और ड्राई भी हैं, क्या करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कुछ बताइए। सो इस वीडियो में मैं उन सब के लिए हेयर केयर के लिए मैं आज बहुत ही अच्छा कॉम्बो पैक लेकर आई हूँ। एंड दोस्तों आज मैं हेयर केयर का कॉम्बो पैक लेकर आई हूँ जो आपके हेयर को टूटने से तो रोकेगा ही, ऊपर से उसे मजबूती भी प्रोवाइड करेगा, बालों में शाइन भी आएगी। एंड मैं जो प्रोडक्ट बताऊँगी वो सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री है एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनकी भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में शाइन नहीं है, बिल्कुल भी बाल ड्राई फिजी रफ हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। दोस्तों आजकल के लाइफ में हम केमिकल फुल या कहे तो कोई भी जो शैम्पू हो, ऑयल हो, कंडीशनर हो, यूज़ करके अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं, जिस वजह से हेयर फॉल, बाद में हेयर ड्राई, फिजीनेस, स्कैल्प यानी मांग का चौड़ा होना, ये सब की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसे में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ओर भागने लगते हैं और हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं अपने हेयर केयर के लिए, जो 100% ऑर्गेनिक होते हैं या 80% या 90%। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में एक दिक्कत होती है कि आपको केमिकल सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री तो मिल जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक शैम्पू को बाल पे इस्तेमाल करने से आपके हेयर रफ और ड्राई हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। और जिनकी हेयर पहले से ही ड्राई है वो अगर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उनका हेयर तो और भी ज़्यादा घास जैसी हो जाती है। तो आप लोग पूछते हो मैम कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ, बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ है मैम आई हैव अ ड्राई फिजी हेयर, रफ हेयर, आई हैव अ हेयर फॉल इशू, मैं अपने हेयर ग्रोथ को कैसे ठीक करूँ एंड स्प्लिट एंड्स को कैसे रिपेयर करूँ। इन सब परेशानियों को ठीक करने के लिए या तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपको जो भी प्रोडक्ट दिखता है वो शैम्पू आप यूज़ कर लेते हो, लाइक केमिकल शैम्पू या फिर चारकोल शैम्पू, एप्पल साइडर विनीगर शैम्पू, या इन सबसे क्या होता है आपके हेयर और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में सोल्यूशन लेकर आई हूँ उन सब हेयर रिलेटेड, बिकॉज मेरे भी हेयर में सेम प्रॉब्लम होती रहती है, हेयर ड्राई हो जाती है विदाउट कंडीशनर, बट आज मेरे हेयर को आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी फील हो रहे होंगे। एंड पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे भी आज अपने हेयर में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस और शाइननेस फील हो रहा है। सो चलो अब ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए आपको मैं दिखाई देती हूँ और बताई देती हूँ मेरे हेयर के इतने अच्छे होने के पीछे का क्या राज है, क्या रीज़न है। सो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग के सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस ब्रांड के शैम्पू को खोज निकाला है जो कि विस्केयर ब्रांड का है। ये ब्रांड हर एक हेयर टाइप्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट को बनाई गई है। सो ये जो विस्केयर ब्रांड का फर्मेंटेड राइस वाटर शैम्पू है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हुए भी आपके हेयर को ड्राई रफ नहीं करती है, बट दोस्तों क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग हेयर टाइप या कहे तो क्वालिटी होती है। सो दोस्तों इस ब्रांड के हेयर केयर के 3 कॉम्बो सेट आते हैं, बट मेरे पास ये कॉम्बो ही है जिसमें एक राइस वाटर शैम्पू एंड एक कंडीशनर है। अगर किसी की हेयर बहुत ज़्यादा रफ होती है तो इस शैम्पू को लगाने के बाद भी तो आप समझ जाओ कि आपके हेयर टाइप जो है वो एक्सट्रीम ड्राई हेयर है। सो दिस शैम्पू इज फ्रॉम द ब्रांड विच केयर, दैट इज से दैट यू विच वी केयर। सो ये ब्रांड बहुत ही अच्छा ब्रांड है एंड इसके ये शैम्पू ऑर्गेनिक होते हुए भी आपके बालों को ड्राई नहीं करेगी एंड ये शैम्पू सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है एंड इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। गाइस और एक नॉलेज की बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिस किसी भी शैम्पू में सल्फेट एंड पैराबिन होते हैं वो बहुत ही अप्लाई करने से आपके बालों को स्मूथ एंड कंडीशनिंग कर देते हैं, जिससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं एंड इसीलिए हम इसे शैम्पू को बहुत ही पसंद करते हैं, बिकॉज ऐसे शैम्पूज में सल्फेट एंड पैराबिन की वजह से शैम्पू बहुत ज़्यादा लेदर करती है, बहुत ज़्यादा झाग बनाती है और हमारे हेयर में एक लेयर प्रोवाइड करता है जो सल्फेट एंड पैराबिन के होते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी हो गए हैं। बट सो ये केमिकल का लेयर होता है एंड आपके लंबे टाइम के इस्तेमाल के बाद आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है, लाइक आपके बाल में आपके बाद में हेयर फॉल होना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल पहले से और भी ज़्यादा पतली होती जाएगी, ज़्यादा ड्राई हो जाएगी एंड स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम होने लगती है। इन सारी चीज़ों का सामना हमें फ्यूचर में करना पड़ता है लॉन्ग टर्म ये केमिकल वाले पैराबिन फुल सल्फेट फुल शैम्पू यूज़ करने से हेयर वाइट की भी प्रॉब्लम होती है, हेयर वाइट होने लगते हैं। सो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आई नो डैट, बट मैं जो भी बता रही हूँ वो आपके हेयर केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऑलवेज आप कोशिश करो कि क्रुएलिटी फ्री, विदाउट सल्फेट, सिलिकॉन, पैराबिन फ्री शैम्पू और हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करें। सो ये जो विस्केयर का शैम्पू है वो फर्मेंटेड राइस वाटर शैम्पू है। तो अब चलो मैं बता दूं कि राइस वाटर हमारे हेयर के लिए क्या करती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। सो फ्रेंड्स राइस वाटर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है, विच इज कॉल्ड दैट मेक्स योर हेयर स्ट्रॉन्गर, रिड्यूस फ्रिक्शन इन द हेयर एंड मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन योर हेयर। एंड राइस वाटर आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशनिंग करता है। ये शैम्पू को हेयर में अप्लाई करने से ये आपके हेयर का जो नेचुरल ग्रो है उसको मेंटेन करके रखेगा। एंड दोस्तों इस शैम्पू को यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉटल। ये आपको पंप डिस्पेंसर के साथ मिलता है जो कि ईजी टू यूज़ है, फिर इसे आप लॉक करके भी रख सकते हो। इसकी बॉटल एंड पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, ओपन की तरफ ओपन करने पर यह बॉटल ओपन हो जाएगी और क्लोज की तरफ ट्विस्ट करने पर यह क्लोज हो जाएगी एंड इसमें लीकेज की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जितना अमाउंट आपके बालों के लिए चाहिए उतना आप लेकर यूज़ कर सकते हो। और एक बात जो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो शैम्पू है बहुत ज़्यादा लेदर या झाग नहीं बनाती है, जस्ट बिकॉज इट इज़ हार्श केमिकल फ्री सल्फेट फ्री शैम्पू, दैट इज़ वाई डू नॉट एक्सेप्ट एज
मच बूमिंग एज इन हार्ड सल्फेट शैम्पूज। ये बहुत ही माइल्ड फॉर्मुलेटेड शैम्पू है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों में स्ट्रेंथ एंड थिकनेस प्रोवाइड करेगा। सो इट इज ऑल्सो हेल्प इन रिस्टोरिंग नेचुरल इलास्टिसिटी, बालों में लचीलापन एंड शाइन प्रोवाइड करेगा। सो ये एक जेंटल क्लिंजिंग शैम्पू एंड कंडीशनिंग का काम करता है आपके बालों में। एंड राइस वाटर के बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको आगे ही बता दिया है। सो ये फॉर्मुलेटेड राइस वाटर की बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एंड अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी है इसमें। इस रेंज में आपको फर्मेंटेड राइस वाटर शैम्पू, फर्मेंटेड राइस वाटर कंडीशनर एंड ऑयल, ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। बट अभी तक मैंने इसके ऑयल को परचेस नहीं किया है, अगर करूंगी तो उसका भी ऑनेस्ट रिव्यू मैं अपने चैनल पर जरूर लेकर आऊंगी। ये जो शैम्पू है वो 300 ml की बॉटल है एंड इसका जो कंडीशनर है ये भी 300 ml की बॉटल है। अब इस कॉम्बो पैक के 7 बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दूं, जो है हेयर स्मूदर, मेक्स योर हेयर स्ट्रॉन्गर, इंक्रीज शाइन, वॉल्यूमाइजिंग हेयर, कंट्रोल हेयर फॉल, प्रमोट हेयर ग्रोथ, सेफ फॉर ऑल हेयर टाइप्स, रिच इन न्यूट्रल प्रोटीन। इसके अंदर सोयाबीन वाला प्रोटीन है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है बालों को अच्छी ग्रोथ के लिए एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। विटामिन बी एंड ई से भरपूर है ये, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हैं। इसे यूज करने के बाद आपको एक हेल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपके हेयर में। अब चलिए इसके इंग्रेडिएंट की बात मैं कर लेती हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट जो है वो फर्मेंटेड राइस वाटर, विटामिन ई है, सोया प्रोटीन है, ऑलिव ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, फेनग्रीक एक्सट्रैक्ट है, अर्निका एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट और भी कई सारे इसमें जो कंपोनेंट यूज किए गए हैं जो आपके हेयर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब इसे यूज कैसे करना है ये बता देती हूँ। बालों को गीला करने के बाद इस शैम्पू का जितना अमाउंट आपको जरूरत है लेकर अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से जेंटली मसाज करें, कोशिश करें हल्का झाग बनाने का। बट ये शैम्पू ज्यादा झाग नहीं बनाती है, मैंने रीजन पहले ही बता दिया है। फिर कुछ मिनट तक ऐसे ही शैम्पू को बाल में लगे हुए छोड़ दे, बिकॉज लेट द ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डू देयर मैजिक। दो बार ऐसे ही शैम्पू को लगाए एंड अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर ले, देन इसके कंडीशनर को अप्लाई कर ले अच्छे से अपने बालों के लेंथ पे एंड हेयर पे, देन 5 मिनट तक छोड़ दे। फिर आप कोल्ड वाटर से वॉश कर ले जिससे कि आपके बालों में जो मॉइस्चराइजर एंड शाइन है वो लॉक हो जाएगा। सो गाइस, मैंने इसे अमेज़न से परचेज किया था, इसके पूरे कॉम्बो सेट को, ये शैम्पू एंड कंडीशनर था। इसमें मैंने इस कॉम्बो सेट को 845 rupees में परचेज किया है दोस्तों। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप परचेज करके देखना चाहो यूज करके तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। आई होप मैं आपके हेयर के लिए एक अच्छा और बेहतरीन सोल्यूशन ला पाई होंगी दोस्तों। अगर आपको मेरा प्यार थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय।